नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पिछले एक साल से पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खतरे के निशान के नीचे बना हुआ है। पिछले महीनों में चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से मिली खैरात के कारण पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार थोड़ा बढ़ा था, जो फिर तेजी के साथ नीचे गिरा है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक को पाकिस्तान के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले हफ्ते के मुकाबले 0.12% गिरकर 4.46 बिलियन डॉलर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि पाकिस्तान को जून 2023 तक 3.7 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है। फिच को उम्मीद है कि चीन अगले महीने पाकिस्तान को दिए गए 2.04 अरब डॉलर के कर्ज को रोल ओवर करेगा। इससे पाकिस्तान को थोड़ी बहुत मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैसे नहीं मिले तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। स्टेट बैंक को पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 28 अप्रैल 2023 को 4,462.8 मिलियन डॉलर की तुलना में 6 मिलियन डॉलर कम होकर 4,457.2 मिलियन डॉलर रहा है। केंद्रीय बैंक ने भंडार में कमी का कोई कारण नहीं बताया है। कुल मिलाकर SBP के अलावा अन्य बैंकों द्वारा रखे गए शुद्ध भंडार सहित देश के पास मौजूद तरल विदेशी मुद्रा भंडार 1,043.2 मिलियन डॉलर था। बैंकों का शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार 5,586 मिलियन डॉलर था। यही नहीं, विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने इतिहास में पहली बार हज तीर्थ यात्रियों के लिए सऊदी अरब से मिले कोटे को वापस कर दिया है। बढ़ती महंगाई और आर्थिक तंगी के कारण पाकिस्तान में इस बार हज के लिए आवेदन उपलब्ध सीटों से कम आए थे। पाकिस्तान के धार्मिक मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 8,000 सरकारी योजना कोटा वापस कर दिया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस कदम का उद्देश्य 24 मिलियन डॉलर की राशि को बचाना था। अगर पाकिस्तान सरकार कोटा सरेंडर नहीं करती तो उसे आवास के लिए इतनी राशि का भुगतान करना पड़ता। पाकिस्तान की संघीय सरकार ने पहले ही ऐलान किया था कि आवेदन में कमी की संभावना को देखते हुए इस बार हज आवेदकों के लिए कोई वोटिंग नहीं होगी। पाकिस्तान ने खाली पड़ी हज कोटे की सीटों को सऊदी अरब को सरेंडर कर दिया है। इन सीटों पर अब पाकिस्तान को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पाकिस्तान में हज के लिए आवेदन में कमी यह दिखाता है कि देश में मुद्रा स्फीति किस कदर बढ़ी हुई है। महंगाई के कारण लोग दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में हज जैसे धार्मिक कार्यों के लिए लोगों के पास पैसे नहीं बच रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान सरकार सऊदी अरब से लंबे समय से हज के कोटे को बढ़ाने की मांग कर रही थी, लेकिन वर्तमान में पहले से ही आवंटित कोटे को पूरा करने में विफल रही है। इस साल लंबे समय के बाद पाकिस्तान को तीर्थ यात्रा के लिए पूरा हिस्सा दिया गया था। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद स्थिति हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। इस बीच वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा किया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक लगातार मिल रहे आर्थिक झटकों के चलते पाकिस्तान के करीब 40 लाख लोग गरीबी की चपेट में आ गए हैं। इसी के साथ वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि स्थिति और खराब होने से पहले पाकिस्तान को तुरंत विदेशों से कर्ज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पाकिस्तान का भविष्य भी काफी ज्यादा अनिश्चित बना हुआ है। इस साल केवल 0.4% आर्थिक विकास का अनुमान जताया गया है, जबकि अगले वित्त वर्ष में 2% आर्थिक विकास का अनुमान जताया गया है। वहीं पाकिस्तान पर दिवालिया होने का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।